मिश्रा, जयपुर लखनऊ किसान नर्सरी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई खेती बागवानी के रूप में। मैं आया हूँ, ये बरेली के पास में है, ये अंकल है हमारे साहब, और ये इनके बागवानी लग रही है जिसमें ताइवान पिंक है और रेड डायमंड है। ये अभी आपको यहाँ का पूरा पता बताएंगे, कितना पौधा लग रहा है, ये सारी डिटेल में देंगे। जी सर, ये जो है हमारा पता जो है ग्राम सैयदपुर, जिला व तहसील बरेली, और मैं नरोत्तम पटेल और ग्राम सैयदपुर बरेली से। कितना पौधा लगा रहे हैं? हमारा जो है रेड डायमंड का है 200, इसमें 300 इसमें रेड डायमंड लगेगा, बाकी 400 ताइवान पिंक लगेगा। जी, बाकी हमारा जो ये प्लांट ये है, ये ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो इसमें अभी 200 पौधे ताइवान पिंक के और 100 रेड डायमंड उसमें और लगे। कुल पौधे 800 पौधे आए हुए हैं, जिसमें 500 ताइवान पिंक है, 300 रेड डायमंड। ये पूरा एरिया है, ये पूरा राउंड घुमा, ये पूरा एरिया है। कितने एरिया का है ये? 4.25 का है। जिला बरेली। अब ये जैसे आपने चॉइस की रेड डायमंड, ये तो नई वैरायटी है, ये हम सर्च कर रहे थे, जैसे आपने सर्च किया तो कैसे आपने सोचा कि रेड डायमंड हमको लगा? चलिए, ताइवान पिंक पुरानी है। क्या है, ताइवान पिंक तो पुरानी है, मगर रेड डायमंड में ये है कि रेड डायमंड जो मैंने सर्च किया था, इसको दिखने में खूबसूरत है जी, ऊपर क्या है मार्केट वैल्यू इसकी ज़्यादा है। प्लस मैं इसको क्या करूँगा, आगे प्रोसेस मेरा यही है कि मैं इसको बैगिंग करूंगा। जी, फल आएगा, फ्रूटिंग बिल्कुल क्वालिटी तभी मिलेगी। इसको बैगिंग करके ही मेरे को बढ़िया क्वालिटी चाहिए, तो इसको जो है बैगिंग में सब सिस्टम से काम होगा, से ही काम होगा। बाकी इसमें पानी की लाइन भी बिछेगी अभी जी, वही प्रोसेस चल रहा है, वहाँ ट्यूबवेल से और पूरी खेत में एरिया में लाइन बिछनी है जी। हाँ किसान भाइयों, आपने देख, ये गड्ढा खुदा था और उसमें सबसे नीचे खल हमारी पड़ जाती है, हाँ, नीम की, तो नीचे से मान लीजिए दीमक या कोई भी सफ़ेद मक्खी आती हो, फंगस, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते पौधा। चलो थोड़ी खाद लीजिए, थोड़ा और चौड़ा करिए, पिंडे से जो पिंडा है बेटा, बिट्टू भैया थोड़ी एक पौधा उठा लो, ये वाला, ये जो खुला वाला रखा है ये बिट्टू। अब ये देखिए, ये जो जड़े हैं ये निकलवा दी, ये जड़े जो हैं इनकी जड़ों को डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए हम गहराई में तो इसको नहीं, फॉरेस्ट खुदवा देंगे। हाँ, फॉरेस्ट खुदवा दी सबसे बढ़िया है, ये जड़े दिक्कत करेंगे। कोई नहीं, फॉरेस्ट खुदवा देंगे। बिट्टू आओ, मिट्टी ना है तुम इसे पकड़ो, पौधे को ले आ, खाद ले आ बेटा, दोनों लोग पकड़ो, इसको इसमें रखना है जब पापा बताए। बीच में रख दो, ज्यादातर लगे हो ज्यादा ना तुम, ज्यादातर ये घास, ये जड़े जो हैं, ये जब नमी पाएंगी फिर फूट जी, ये ध्यान रखियो, और जड़े जब फूटेंगी तो इनकी जड़ों में अपना जाल बना लेंगे, तो ये मर जाएगा पौधा। कोशिश करो आसपास जड़ फॉरेस्ट ही खोदो। हाँ, अब हमारी जो है, पहले थोड़ा बढ़वा लो, आधा 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 फीट ले लो गड्ढा, ये है ना जयपाल, ये है अगले गड्ढा जो है हमारा, ये ठीक है, एक लाइन मतलब ये गड्ढा रहेगा। मैं फावड़ा ले आऊँ, तुम फावड़ा लेके आओ, तो और मैं जरा, हाँ हाँ ना ना मिट्टी बैठेगी, जा पानी
जहाँ में बाप गए सब पड़ गए लगाओ सीधा रखियो नीचे टेढ़ा ना जाए। मिला मिट्टी उट्टी मिला डाल जड़े ना हो जाता है ना। देखा ना यही अपना काम है। मैं अनिल मिश्रा जयपुर लखनऊ किसान नर्सरी में आपका फिर से स्वागत करूंगा एक नई खेती एक बागवानी के रूप में। इसके लिए राम राम जय हिंद।